सो दिस वॉज मी आज से 2 महीने पहले, एंड देन जिस बॉडी को बनाने के लिए मैं 6 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर मैं बीमार क्या हुआ, मतलब आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 6 to 7 kgs ऑफ बॉडी वेट। आई वॉज, वो चीज़ ना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, और फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा एट दैट पॉइंट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज। वैसे तो मैं इस चाय को अंदर बैठ के भी एंजॉय कर सकता था, लेकिन यहाँ से जो फ्रेश एयर सुबह सुबह लेने को मिलती है ना, उससे पूरा दिन अच्छा बन जाता है। एंड सेकेंडली, कुछ दिनों से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा भी रह रहा है। मैं सुबह की पहली चाय यहाँ पे बालकनी में बैठ के पीता हूँ, बैठ के नीचे फर्श पे बैठ के। एंड सेकेंडली, मैं पूरे दिन का सोचता हूँ कि मेरे को पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है। और वैसे तो अभी सुबह है नहीं, वेरी ऑनेस्टली मेरी सुबह दोपहर में होती है। अभी बज रहे हैं दोपहर के, तो मेरी सुबह कुछ इस समय ही होती है 12-1 बजे, क्योंकि मैं पूरी रात को बैठ के लास्ट पॉडकास्ट चला था वो मैंने रात को बैठ के एडिट किया था। सुबह सोया था मैं 10-11 बजे। वो समय था आई वॉज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम द जिम, एंड रास्ते से क्या हुआ कि मैंने मील पैक करवा दी, मील ले ली। मैंने सोचा कि चलो रूम पर जाके खाएंगे। तो मैं ऑलमोस्ट लंबे समय तक एक ही मील को फॉलो करता हूँ, तो उस समय रास्ते से मील ली, चिकन बिरयानी, एंड आई वॉज एन्जॉइंग द मील। एंड साथ में मैं, मेरी आदत है, मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं कोई ना कोई वीडियो या कुछ देखता हूँ, मेरा ऐसा आदत सा हो गया। एंड आई रील्स को स्क्रॉल कर रहा था, एंड अचानक से यश आनंद भैया की एक वीडियो आई जिसके अंदर वो कह रहे थे कि गिव अवे एंड ऑल। उसके अंदर मैंने कमेंट किया था चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड दैट वॉज द डे आई डिसाइडेड कि 1 महीने के अंदर अपने आप को कुछ और अच्छा बनाते हैं। उस समय आई वॉज इन शेप, आई वॉज डूइंग गुड, आई वॉज लिफ्टिंग वेट। सो वॉट हैपेंड वॉज कि आई एम ईटिंग द मील, एंड अचानक से मैं फ़ोन से नज़र हटा के मैंने ऐसे प्लेट की तरफ देखा उसके अंदर, एंड मैं देख रहा हूँ भाई उसके अंदर कॉकरोच पड़ा हुआ है। तो अगले दिन मैं उठ रहा हूँ, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग पेन इन माई थ्रॉट। उसके बाद मैं देख रहा हूँ मेरे को फीवर भी आ गया है, एंड आस्ता आस्ता शाम होने तक मैं देख रहा हूँ मेरे मुंह के अंदर पूरे छाले पड़ गए हैं, ईच एंड एवरी कॉर्नर, हर जगह छाले पड़ गए, मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ। देन कुछ समय के बाद, 8-10 दिनों के बाद, 10 to 15 days के बाद, आई गेस आई ट्रैवल बैक टू जम्मू, एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग हियर। टुडे इज द डे 59। आ गए हैं हम वापस इस चैनल पे, हसलो मसल, जिंदा हूँ मैं। आज हम वैसे चैलेंज वगैरह शूट करने की सोचा था, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि कल मैंने बहुत इंटेंस वर्कआउट किया था, उस वजह से पूरी बॉडी सोर हो चुकी है। एंड सेकेंडली, आज हमारा बैक एंड बाइसेप्स है, जो शायद से तुम देख भी रहोगे अभी तक, अच्छे लेवल का वर्कआउट करने वाले हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what drives me the most. Fuck your lies. I'll do what I want. Lovely. क्यूट 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 लग रहे हो ब्रो। लड़की के, लड़के के साथ पोज मारो, लड़के के साथ पोज मारो। लड़के की जगह, उस लड़की की जगह अपना मारना। पहले ही उधर लो, मैं नहीं लूं अपने पास। स्टार्ट है।
रुक 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 रुक, मेरे को ये क्या अजीब सा हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे करते हैं क्या? हाँ ऐसे करते हैं ऐसा। चलो मैं भी करूँगा, मैं भी करता हूँ। चल 1 2 3 गो। लेफ्ट में तो मैं हारूंगा तेरी खुशी के लिए, खुशी के लिए उसमें भी मैं जीत जाता, मेरे को ना लगी है रिश्वत, मेरे को भी दो कवर कर। चल 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 1 2 3 लेट्स गो। चल 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 ठीक है, खुश है। चलो अब तो मैं हारूं। उसमें भी मैं जीत जाता, मेरे को ना लगी है रिश्वत। मुझे खुद लगी हुई है, मेरी रिश्ते थोड़ी नहीं हुई। उसको खाओ। मैं तो खाता ही हूँ स्कूल में, डिनर के बाद। मेरे को आदत हो गई है, थोड़ा थोड़ा करके खाता हूँ। किसको खाता है? दीगा? मैं स्कूल में खाता हूँ। जल्दी से थोड़ी एक्टिंग कर लेता हूँ, बी रोल्स में अच्छा आएगा। नॉर्मल इन्फ्लुएंसर बी लाइक, फाड़ दूंगा इस बार अपना बाइसेप। तुमको एक सबसे बड़ी मोटिवेशन तो जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, जब भी मैं कुछ हैवी लिफ्ट करने जाता हूँ ना, हमेशा लिफ्ट करने से पहले एक चीज़ सोचता हूँ कि हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था, मैं उनका वक्त हूँ। ये 10 किलो का डंबल उठा सकता है। जब मेरा फेलियर आने लगता है ना, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि यही पॉइंट है, अगर मैंने यहाँ पे 2 रैप बोर्ड लगाए ना, वही काउंटेबल है। अभी तक जो था बस वो था कि बस मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था, अब जहाँ पे मैं टूट जाऊँगा ना, वहाँ पे मुझे कुछ भी करके 2 रैप लगाने हैं। बस वो है अपने रैप जहाँ पे हम अपने आपको बनाते हैं। सीधी सी बात है यार, हम बोलते हैं 6 रैप 7 रैप कोई 6-7 रैप नहीं, ट्रेन टिल फेलियर, टूटना है मसल पूरा। तो